हे गाइस क्या चल रहा है भाइयों, स्वागत है को माइनक्राफ्ट के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो वो आज का वीडियो और बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाले, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं अपने कासल के अंदर का इंटीरियर। तो आप लोग को याद होगा यार, कुछ दिन पहले मैंने एक नया कासल तैयार किया था जो कि काफी ज्यादा प्यारा और काफी ज्यादा बड़ा आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस वाले कासल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे मेन चैनल पर जाकर देख सकते हो, मतलब बीबी गेमिंग चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने इस वाले कासल का वीडियो उसी चैनल पर डाला था एंड मैंने ये जो बड़ा सा फार्म हाउस यहाँ पे बना रखा है इसका वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। एंड आज मैं भाई कासल के अंदर का इंटीरियर बनाने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग सिंहासन बनाने वाले हैं। और जो भी कासल के अंदर होता है ना, सारी चीजें बनाने का मैं पूरा ट्राई करूंगा और अंदर से पूरा हुलिया चेंज करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो फटाफट से हम लोग सामान यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो वैसे मैं काफी सारा सामान यहाँ पे लेके आ गया था। और हाँ, मैं आप लोग को एक बहुत ही खतरनाक चीज बता दूं, हमारे साथ भाई हादसा हो गया था लाइव स्ट्रीम के दौरान। तो हम लोग यार लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नेदर के अंदर एशियन डेवरेज ढूंढ रहे थे, और हुआ कुछ ऐसा कि नेदर में भाई मैं सारा सामान लेके गया मर, और मेरे पास जितना भी मतलब नेदरराइट का सामान था, नेदरराइट आर्मर जो भी मेरे पास सामान था, सारे का सारा भाई सामान जा चुका है। हमारा ट्राइडेंट जा चुका है, जितनी इंचार्टमेंट लगी थी सारा सामान चला गया, मतलब बहुत ही तगड़ा वाला सीन हुआ था। तो अगर आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखा होगा तो आप लोग को याद होगा, अगर नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर दिया था। तो यार देख लिया करो, डेली में 5 बजे से लोको ऐप पे लाइव स्ट्रीम करता हूं एंड आजकल हम लोग वहां पे काफी सारे गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं। तो टाइम से आप लोग आ जाए करो। तो दोबारा से हम लोग यार सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अभी मेरे पास नेदरराइट की बस दो चीज है, मेरे पास यहाँ पे वो है जो कि मेरे पास नहीं थी, मेरे फ्रेंड के पास थी क्योंकि हम लोग मल्टीप्लेयर खेल रहे थे। एंड मेरे पास एक नेदरराइट की पिकैक्स है क्योंकि हम लोग उस दिन लाइव स्ट्रीम में काफी सारे एशियन डेवरेज मिल गए थे, मतलब काफी सारे नहीं 5-6 मिल गए थे, जिससे मैंने एक पिकैक्स तैयार कर लिया क्योंकि पिकैक्स का हम लोग को बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख लिया एंड मेरे को और भी बहुत ज्यादा सामान लेके आने वाला है। हम लोग यहाँ पे कंक्रीट वगैरह भी लगाएंगे, तो कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा सैंड चाहिए। वैसे मैंने सैंड यहाँ पे ले रखी है एंड हम लोग को ग्रेवल भी चाहिए, तो ग्रेवल भी मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। बाकी हमें मतलब फ्लावर वगैरह लगेंगे, जिस भी कलर के हम लोग को कंक्रीट चाहिए। तो हम लोग सारा सामान फटाफट से पहले लेके आते हैं। होगी तो गई, सभी मैं सामान लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे फ्लोर डालने वाला हूँ, फ्लोर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लोर हम लोग किससे डालें, किससे डालें, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे कट्स पड़े हुए हैं, तो मैं इसी से यहाँ पे फ्लोर डालने वाला हूँ, क्योंकि फ्लोर बिना डाले ना बिल्कुल भी सही वाला लुक नहीं आ रहा है। तो फ्लोर डालने के बाद मेरे को ना कारपेट वगैरह लेके आना है। वो कारपेट के लिए ना देखो यार, मेरे को आज वुल तो है नहीं क्योंकि मैंने एनिमल फार्म पूरा का पूरा तोड़ दिया था। तो मेरे पास जो रेड कारपेट और वाइट कारपेट मैंने लगा रखा है, मेरे को वही कारपेट निकाल के लाना पड़ेगा, वहाँ पे मैं बाद में लगा दूंगा। तो मैं काम कर दूँ फटाफट से ना, पहले यहाँ पे पूरा फ्लोर डाल देता हूँ क्योंकि बिना फ्लोर डाले यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। फ्लोर तो यहाँ पे पूरे में डालना ही पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से मैं पूरे में फ्लोर डाल देता हूँ। होगी तो गाइस, मैंने यहाँ पे साइड साइड में एक लाइन जैसी बना दी है, जिससे पता रहे कि हम लोग को कितने बीच में क्या चीज़ लगानी है। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टेज टाइप बना दिया है, तो जो आप लोग ये वाला स्टेज देख रहे हो ना, इसी स्टेज में मैं तैयार करूँगा भाई एक सिंहासन, मतलब ज़्यादा बड़ा सिंहासन तैयार नहीं करूँगा, छोटा सा एक सिंहासन तैयार करूँगा। एंड पीछे के साइड मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ या तो मैं यहाँ पे बेड डाल दूंगा या फिर यहाँ पे एक स्टोरेज जैसा रूम बना दूंगा, वो मैं बाद में सोचूंगा। एंड अभी मेरे को यहाँ पे काम करना है एंड साइड साइड में मेरे को ना पूरा फ्लोर डालना है। तो साइड साइड में डालने से पहले ना मेरे को बीच के हिस्से में डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो बीच का हिस्सा खराब नहीं होना चाहिए। तो मेरे को सबसे पहले काम क्या करना है, एक मिनट रुको, इसको ना यहाँ रख लो एंड इसको यहाँ रख लो। तो मेरे को ना इसके अंदर और यहाँ पे लगाना है, मतलब ये पूरे में लगाना पड़ेगा। ओके एक मिनट रुको, मैंने सबल तैयार कर रखी, ओके सबल है मेरे पास। तो पहले तो ना मेरे को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, और नीचे के साइड ना मैंने बिल्कुल भी मतलब कुछ रखा नहीं है, देखो पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि इस चीज़ को ना मैं बाद में यूज़ करूँगा। आप लोग स्केलेटन भी यहाँ पे देख सकते हो, स्केलेटन यहाँ पे घूम रहे हैं। तो नीचे वाला हिस्सा है, मैं उसको स्टोरेज की तरह यूज़ करूँगा बाद में, या फिर सीक्रेट बेस टाइप कुछ भी बना दूंगा अंदर बाद में। बाकी अभी रात भी होने लगी, और हाँ मैंने अभी शेडर वगैरह सारे पैक वैक हटा दिए, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि यार शेडर हटा दो, कोई बोलता है रिसोर्स पैक हटा दो, इसीलिए मैंने पहले से ही हटा रखे हैं जिससे तुम लोग को एकदम नेचुरल दिखाई दे। अभी मुझे नहीं पता कि तुम लोग को कैसे ग्राफिक्स लग रहे हैं, पर अभी मैंने सारे ग्राफिक्स हटा रखे हैं। ओके क्रीपर वगैरह वो देखो, क्रीपर वहाँ मेरे को दिख रहा है। ओके एंड अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे तीन तीन लगा दिए, दो दो, ओके दो दो हैं यहाँ पे। अभी मैं काम करूँगा ना बीच में, ना मैं इसको लगाने की सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी कैसा लगेगा ये बीच बीच में, अगर सही नहीं लगेगा तो इसके ऊपर मैं कारपेट लगा दूंगा। ओके
ओके तो मैंने ये वाइट वाइट तो दोनों साइड लगा दिया है, पर यार ये बीच में ना ये सही नहीं लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ पीछे के साइड जाता हूँ, मतलब तो जो मेरा मेन गेट है जहाँ पे मैंने बड़ा सा गेट बनाया था जाइंट गेट, वहाँ पे जाता हूँ एंड वहाँ से ना मैं कारपेट लेके आता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास देखो शीप नहीं है, नहीं तो मैं रेड कारपेट बना लेता, कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी मेरे को यहीं से लेने का, बाद में मैं बना के मतलब यहाँ पे लगा दूंगा एंड दोनों साइड लगा लूंगा, पर अभी तो मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे लगाया था और यहाँ पे ना अभी बेकार लगेगा, तो मेरे को सारा ही हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारा रेड कारपेट है, मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से निकाल लेता हूँ, वैसे मेरे को रेड रेड ही चाहिए पर वाइट भी निकाल ही लेते हैं, जब निकाल रहे तो यहाँ मैं बाद में लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इतने से शायद काम चल जाएगा, तो सारा का सारा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड देख लो रेड रेड निकाल दे तो वाइट कितना खराब लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी इसको ऐसे रहने दो, बाद में मैं इसको भी सही कर दूंगा, अभी हमारा मेन काम है हमारे कासल का इंटीरियर तैयार करना, और अभी रात हो चुकी है तो मुझे पक्का पता है कि अंदर कोई ना कोई क्रीपर ज़ॉम्बी तो स्पॉन हो ही गए होंगे, तो पहले मेरे को सोना पड़ेगा उसके बाद काम करेंगे। होगी तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, बाकी का फटाफट से काम कर लेते हैं। होगी तो गाइस अभी मैं यहाँ पे प्लैंक वगैरह सारी चीज़ें लेके आ चुका हूँ, जो भी मेरे काम की चीज़ थी, जो भी मेरे को वहाँ पे चेस्ट में मेरे को काम की चीज़ मिली थी एंड अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे सिंहासन बना लेते हैं, तो सिंहासन बनाने के लिए मेरे को स्टेयर्स चाहिए, क्योंकि स्टेयर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा एंड ट्रैप डोर भी मैं लगाने वाला हूँ, तो ट्रैप डोर मैं बाद में बनाऊंगा। ओके थोड़ी और मेरे को स्टेयर्स चाहिए एंड ये वाली स्टेयर्स भी मैं बना लेता हूँ, क्या पता मेरे को ये भी काम हो एंड मेरे को स्लैब भी बनानी है, तो 6 स्लैब से मेरा काम चल जाएगा एंड अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे को डिज़ाइन नहीं पता है, ये तो मैं बनाते बनाते ही देखूंगा कि मैं कैसा डिज़ाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसको यहाँ रख लो एंड ये यहाँ जाएगा क्या, ओके यहाँ आ गया, बहुत सही। तो सबसे पहले तो दो मैं यहाँ इस कुछ इस तरीके से रखने वाला हूँ, यहाँ दो और रखने वाला हूँ एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ क्यों ना साइड में कुछ ऐसे लगा दिया जाए, कैसा लगेगा सेकेंड रुको, ओके तो ये कैसा लगेगा ये तो यार मेरे को बाद में ही पता चलेगा, बनाने के बाद मतलब पूरा जब बन जाएगा ना उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये लग कैसा रहा है। उसके अंदर को करना क्या है, यहाँ पे एंड कुछ यहाँ पे, ओके सेम ऐसे मेरे को इधर से करना है, बहुत सही एंड अब मेरे को काम क्या करना है, मेरे को पीछे के साइड एंड यहाँ कुछ इस तरीके से, बहुत सही। अभी ये पूरा बनाने का ही सोच रहे हो कि ये पूरा बन गया, ऐसा नहीं बनेगा, अभी थोड़ा मैं इसको और डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, मतलब और डिज़ाइन से मैं इसको करने वाला हूँ। उसके बाद मेरे को करना क्या है, मेरे को इसके ऊपर यहाँ पे एक सेकेंड रुको, अब यार मैंने गलत लगा दिया इसको, मेरे को ऊपर ही जाना पड़ेगा, एक सेकेंड रुको, मेरे को ना यहाँ पे यार ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत सही। अबे यार इससे काम नहीं चलेगा, ओके एक मिनट रुको, ओके तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है और मेरे को यार सिंपल डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा और डेकोरेट करने वाला हूँ एंड हाँ मैं एक और चीज़ करके देख लेता हूँ, साइड में अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाता हूँ, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ओके तो भी काफ़ी सही लुक आ रहा है और अभी ना यहाँ पे रोशनी कम है इसीलिए तुम लोग को ना उतने बढ़िया तरीके से दिख नहीं रहा होगा, जब यहाँ पे बढ़िया से रोशनी हो जाएगी ना तब काफ़ी सही वाला लुक आएगा यहाँ पे। तो एक सेकंड रुको, मैं ना इसको अगर अपोजिट साइड में लगा के देखूँ, अगर मैं इन दोनों स्टेट्स को दोनों के अपोजिट लगा के देखूँ तब ये कैसा लगेगा, मतलब ये उस साइड को इसका फेस हो एंड एक का उस साइड को, मतलब कुछ इस तरीके से। अब यार मैंने गलत लगा दिया, मेरे को ना पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके बहुत सही अब मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तो मेरे को कुछ एक ऐसे एंड एक इधर से, और ये स्केलेटन कहाँ मर रहा है, एक सेकेंड रुको, ओके तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ये यार इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, पहले वाला ही ज़्यादा सही था, तो पहले वाले की तरह मैं फटाफट से इसको लगा देता हूँ। ओके यही रहता है कि तुम्हें बना बना के देखना है कि ये लग कैसे रहा है, अगर सही लग रहा है तो ठीक है, अगर ख़राब लग रहा है तो तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा इसको एंड अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके ऊपर भी लगाया जाए, ओके मेरे पास और ख़त्म हो गए स्टेप्स, अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ तो ओके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को लाइटनिंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ ना गाइस, मैं अभी इसके ऊपर नहीं लगाता हूँ, अभी नीचे नीचे ही रहने देता हूँ,
जब मैं पूरे में लाइटनिंग वगैरह कर लूँगा उसके बाद मैं देखूँगा, अगर मेरे को डिज़ाइन सही नहीं लगेगा उस टाइम पे इस डिज़ाइन को मैं चेंज करने वाला हूँ। बाकी सिंपल सा देखो सिंहासन तो बन गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिंहासन नहीं बनाना है, कौन से मेरे को इसके अंदर 24 घंटा ही रहना है। वैसे भी हम लोग यहाँ पे कभी कभी आने वाले हैं, पूरा दिन तो हम लोग बाहर ही रहते हैं, मतलब हम लोग को खुले में रहना ज़्यादा पसंद है। एंड मैं बाद में देख लूँगा कि मेरे को यहाँ पे और क्या क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए और क्या क्या चीज़ यहाँ पे कम करनी चाहिए। बाकी अभी मेरे को लगता है काफ़ी सही बन चुका है, और अभी इसको डेकोरेट करूँगा ना तो काफ़ी सही लगने लगेगा ये। बाकी फटाफट से बाकी की चीज़ें मैं कर लेता हूँ, और लाइटनिंग वगैरह के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्लो स्टोन वगैरह जो भी है वो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। और सबसे पहले मेरे पास सोल सैंड वगैरह पड़ी होगी, सोल सैंड मैं बहुत ज़्यादा लेके आया था, नेदर ब्रिक भी मेरे पास होना चाहिए। एक सेकेंड रुको, अब यार इसको यहाँ से हटाओ, नेदर ब्रिक एक सेकेंड रुको, इसके अंदर नेदर ब्रिक नहीं है, मेरे को ना सोल सैंड और नेदर ब्रिक लेके आना है, शायद वो भी मेरी फार्म वाली चेस्ट में पड़ा होगा तो मैं फटाफट से उसको लेके आता हूँ। एक तो यार मेरा ना सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है, मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी स्टोरेज रूम बना लूँगा तो मेरे को सामान की दिक्कत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं लेके आ जाऊँगा। तो फटाफट से मैं सोल सैंड और नेदर ब्रिक यहाँ से ले लेता हूँ और थोड़ा डेकोरेट करके मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। होगी तो गाइस अभी मैंने सिंहासन के डिज़ाइन को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने काफ़ी तोड़ तोड़ के दोबारा से सही किया है, एंड अभी वाला डिज़ाइन मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, एंड पीछे के साइड मैंने टॉर्चेस वगैरह भी लगा दी थी जिससे काफ़ी सही से मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा सोल सैंड वगैरह लेके आ चुका हूँ, तो मैं फटाफट से इसको डेकोरेट कर दूँ, और मैं कारपेट को इसलिए भी यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि इसमें आग ना लग जाए। तो मेरे पास नेदर ब्रिक भी है एंड मेरे पास भाई सोल सैंड भी है, तो सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पे काम करता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ, एंड फ्लिंट का है, फ्लिंट को रखो नीचे और इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। पहले मैं ये देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, अगर ये बढ़िया नहीं लगेगा तो साथ में मैं नेदर ब्रिक भी लगा दूंगा। इसमें रखो, इसको यहाँ से हटाओ, एंड एक साइड ये लगाते हैं और क्या ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके तो काम कर दे, क्यों ना दोनों साइड एक एक लगा दे, दोनों काफ़ी सही लगेंगे। एंड मेरे को ना इस साइड में भी सेम ऐसे ही रखना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एंड एक मुझे लगाना है यहाँ पे, तो सेम ऐसे ही कर देते हैं। एक सेकंड रुको, इसको यहाँ बुझा दो, इसको आग को, एंड इस आग को भी यहाँ बुझा दो, सोल सैंड को हटा के यहाँ पे नेदर ब्रिक, सब गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे लगाना है सोल सैंड एंड यहाँ पे लगाना है मुझे फिर से नेदर ब्रिक। बहुत सही, उधर सेम है क्या, उधर भी सेम कर दिया, बहुत सही। इसको यहाँ से हटा के, इससे क्या होगा ना कहीं ज़्यादा रोशनी रहेगी। ओके अभी हम लोग थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। ओके बहुत सही, इससे क्या हो रहा है काफ़ी ज़्यादा मस्त ये लग रहा है, पर ज़्यादा ही कुछ हो गया है तो मुझे लगता है यार थोड़ा कम करना चाहिए, इसको थोड़ा कम कर दें। साइड साइड में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसको यहाँ से हटा के साइड साइड में रहने देते हैं, साइड में काफ़ी सही वाला लुक देगा ये, तो साइड में कुछ इस तरीके से जलने देते हैं। एंड हाँ इसके पीछे भी मैं यहाँ पे अभी जलाऊंगा, टेंशन ना लो, पीछे भी अभी हम कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। या फिर एक काम कर दें, क्यों ना यहाँ से हटा दें एंड साइड साइड में बस रहने दें। एक मिनट रुको, पिकेक्स कहाँ गए मेरी, पिकेक्स को नीचे के साइड रखो। एक काम कर दो ना, पहले मैंने इसको हटा ही देता हूँ, पहले मैं इसको लगाता नहीं हूँ, पहले मैं बाकी का काम कर लेता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे डेकोरेट करना है, बेड वगैरह बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो पहले मैं वो सारा काम भी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट मतलब पूरा डेकोरेट जब कर लूँगा उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि आखिर ये लग कैसा रहा है। तो उसके लिए मेरे को करना क्या है, उसके लिए मेरे को ना तैयार करना, पहले तो फ्लोर यहाँ डालना पड़ेगा, जो मैं फ्लोरिंग कर रहा था उसको मैं कंप्लीट कर दूँ, अभी मैंने पूरी फ्लोरिंग नहीं की है, तो फटाफट से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके तो कहाँ गए, ओके यहाँ 16 रखे हैं, बाकी मैं चेस्ट में रख के आ चुका हूँ क्योंकि मैं और भी बहुत सारे लेके आ गया था। तो फटाफट से पहले तो ना मैं फ्लोर डाल देता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें बनाएंगे। होगी तो गाइस अभी मैंने पूरे में यहाँ पे फ्लोर डाल दिया है, साथ ही साथ मैंने अभी सिंहासन का जो डिज़ाइन था उसको भी थोड़ा और डेकोरेट किया है, तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। उससे पहले यार जो मैंने यहाँ पे सैंड और मतलब ग्रेवल को मिला के यहाँ पे कोई पता नहीं रेड कलर का कॉन्क्रीट या जो भी आप लोग बोल सकते हो बनाया, ख़त्म हो चुका है, तो फटाफट से मैं इसको चारों तरफ लगा देता हूँ। तो ये रहा अपने सिंहासन का डिज़ाइन, मुझे पता है अभी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, बट अगर हम लोग इसके ऊपर जाएँ तो आप लोगों को समझ आएगा, यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मैंने ऊपर बनाया है, और बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बड़ा नहीं बनाया, मैंने मतलब छोटा ही बनाया ज़्यादा, क्योंकि पिछले वाले वर्ल्ड में मैंने बहुत ही बड़ा बनाया था। तो इसको मैं एक बार कवर करके यहाँ से देखता हूँ, जिससे काफ़ी सही लुक आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा सा सिंहासन होगा, बट यहाँ से नहीं है, इसके ऊपर से है, जो कि काफ़ी सही लुक आ रहा है।
और मैंने यहाँ पे नेदर के और सोल सैंड लगा के मैंने यहाँ पे भाई आग लगा दी, जिससे काफी सही वाला डिजाइन आ रहा है। तो अभी मेरे को काम क्या कर रहा है, मेरे को ना थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करना है। मेरे पास कारपेट और नहीं है, नहीं तो मैं कारपेट यहाँ यहाँ साइड साइड में और ज्यादा लगा देता। बाकी यार ये बहुत ही सही लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ ना, पीछे के साइड जो मैंने जगह बनाई थी वहां पे मैं या तो बेड डाल देता हूँ या फिर मैं अंदर की साइड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, एक बार इसको तोड़ते हैं, एक बार अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे कितनी जगह, यहाँ पे बन सकता है क्या रूम टाइप कुछ अगर हम लोग बनाना चाहें। ओके, मेरे ख्याल से बन सकता है, तो क्यों ना यहीं पे डाला जाए बेड, यहीं पे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सही जगह लग रही है। ओके ऊपर, ओके यहाँ पे नहीं बन पाएगा, एक सेकेंड रुको। ओके वैसे अगर ऊपर से सही हो जाए तो पीछे के साइड हम लोग अंदर के साइड इसी के अंदर एक बेड बन डाल सकते हैं। ओके एक रूम हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा था, शायद मैंने यहाँ पे स्टेयर्स लगाई थी, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, ओके कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया था। ओके बहुत सही, तो मैंने शायद स्टेयर्स लगाई थी, स्टेयर्स लगा के मेरा काम यहाँ पे चल जाएगा। बहुत सही, स्टेयर्स लगा के मेरा काम यहाँ पे चल गया। एंड इधर मैंने क्या लगाया था, इसको यहाँ लगा लो। मैंने यहाँ पे जैसे ये नहीं लगाया था शायद, एंड मेरे पास ब्लॉक ऑफ कर्ड्स बचे हैं, जो स्मूथ ब्लॉक ऑफ कर्ड्स थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसी से मेरे को अभी काम चलाना पड़ेगा। उसको मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यहाँ से ले लो, इसको यहाँ पे रखो, एंड डर्ट हटा के इसको यहाँ पे लगाओ, इसको भी डर्ट हटा के यहाँ लगाओ। इतने में मेरा बेड आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ मेरा बेड आराम से आ जाएगा। एंड साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर लूँगा अगर मैं नीचे से तोड़ दूँ। ओके एक सेकेंड रुको, अगर इसको भी तोड़े, इसको ऊपर अगर हम लोग लगा दें और नीचे अगर हम कुछ और लगा के लगाएं, एक सेकेंड रुको, अगर नीचे हम लोग इसको लगा दें दोनों साइड, एक सेकेंड रुको। बहुत सही, एंड अभी इसको लगाएं। ओके तो इससे क्या होगा, रोशनी भी यहाँ पे हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको यहाँ से हटा दो, रोशनी भी हो चुकी है, एंड मैं यहाँ पे अपना बेड भी आराम से डाल सकता हूँ। तो मेरे पास बेड है, मैं वो ला के यहाँ पे डाल देता हूँ, और बाकी मैं थोड़ा इसको और डेकोरेट भी करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लालटेन वगैरह बहुत ज़्यादा लगानी है। बाकी रात भी हो चुकी है तो लालटेन मैं आराम से बना लूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा आयरन है। एंड मैंने जो बार्स हैं वो भी लेके आ चुका हूँ, तो बार्स को मैं ना एक काम कर दूँ, सबसे पहले ना बार्स को मैं लगा के देखता हूँ। एक मिनट इसको ऐसा हटाओ, ये रखो, ये यहाँ पे रखो, और मेरे पास क्या क्या है। ओके मेरे लालटेन भी थोड़ी यहाँ पे रखी हुई, तो लालटेन को भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। बेड भी मेरे पास पड़ा है, एंड मेरे पास ना टेराकोटा है एंड लैपिस लजूली के, मैं ना सोच रहा हूँ ब्लॉक क्यों ना बनाए जाए, उनको लगाया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार यहाँ यहाँ पे मैं बार्स को लगा दूँ एक तरीके से अपनी, मतलब यहाँ पे सही डिज़ाइन अगर आए तो। यहाँ पे था ना, ना नहीं यहाँ से था, मैं देखता हूँ लगा के। ओके तो इसको तो मुझे तोड़ना पड़ेगा। ओके तो बार्स लगा के क्या होगा, ये वाला ना पोर्शन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इधर मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर मैंने इसके साथ साथ यहाँ पे ना मैं कुछ और चेयर वगैरह बनाता हूँ, तो उनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे। मेरे प्लैंक बना लिए हैं। ओके तो मैं काम करता हूँ ना, पहले तो यार मैं सो जाता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है, तो बेड लेके ना अंदर चलते हैं। एक काम करते हैं, बेड लेके अंदर चलते हैं, सारी की सारी चीज़ें भी हटाओ और बेड लेके अंदर चलो। बेड डाल के ना अंदर पहले सो जाता हूँ, और बाकी का काम लोग ना सुबह उठकर करेंगे। होगी तो गई, सभी सुबह हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे बेड डाल दिया, तो बेड यहीं पे पड़ा रहेगा। एंड मुझे क्या काम करना है, मेरे पास जितना भी सामान है ना, सबसे पहले मैं इसको खाली कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया है। तो इसको खाली करके सबसे पहले इसको खाली करो, लाइटनिंग वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, मतलब लास्ट में एकदम डेकोरेट तो लास्ट में करेंगे। एंड अभी मैं ना मेरे को काम सबसे ज़्यादा है भाई स्लैब का, प्लैंक वगैरह मेरे को चाहिए, स्लैब मेरे को चाहिए। ओके इसको भी हटा दो, इसको भी यहाँ हटा दो, बार्स मैं अपने पास रखे रहता हूँ, तो मेरे को ना स्लैब चाहिए, बहुत सारी स्लैब मेरे को बनानी है। ओके अब मैं यहाँ पे स्टेयर्स भी बना लेता हूँ, इतनी स्टेयर्स से मेरा काम चल जाएगा। और मैं और दूसरे कलर का है क्या मेरे पास, एक ही है यार ये, नहीं है और भी हैं, बहुत सारे हैं। सही बहुत सही, सबसे पहले ना इसको मैं प्लैंक में बनाता हूँ। ओके मेरे पास 64 यहाँ पे पड़े हैं, प्लैंक मैंने बना लिया है, तो इसकी मेरे को स्लैब चाहिए। एक सेकेंड रुको यार, स्टेयर्स, अरे यार 64 स्टेयर्स बना ली मैंने, 3 स्टैक, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने को इतनी ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी काम आती रहेंगी, अगर मैंने इतनी बना ली है तो मेरे काम आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ना मैं इसको तोड़ रहा हूँ, और क्रीपर यहाँ क्या कर रहा है यार, क्रीपर क्या कर रहा है, एक सेकेंड रुको, क्रीपर को ख़त्म करना पड़ेगा। अबे एरोज नहीं है, एरोज नहीं है, एरो लेके आओ, एरो लेके आओ, एरो लेके आओ, क्रीपर क्या कर रहा है भाई, देख लो क्रीपर तो तबाह करने आया सब कुछ। एक सेकेंड रुको, अब क्या क्रीपर,
अच्छा क्रीपर अच्छा रहा मैंने देख लिया, अगर अचानक से मैं पीछे जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। खत्म, और कोई तो नहीं है, एक बार को चेक करने दो अंदर स्केलेटन वगैरह। ओके कोई नहीं, बॉस है। अभी मेरे को काम क्या करना है, इसको तोड़ना है यहाँ से। अरे यार इसको क्यों तोड़ दिया। ओके अभी मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, मेरे को चाहिए यहाँ पे स्लैब। ओके फटाफट से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, तो मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ। बहुत सही ना, एक काम करते ना इसको हटाओ यहाँ से। अबे यार मैं अपनी एक्स वहीं पे रख के आया तो इसी से तोड़ लेता हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये बना लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि यार कैसा लग रहा है, मतलब सही लग भी रहा है या फिर मतलब बेकार लग रहा है। मैं पहले पूरा अच्छे से बना लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं चेयर टाइप मतलब यहाँ पे भी कुछ बना लेता हूँ। होगी तो गई, सभी मैंने यहाँ पे चेयर बना दी है। जो चेयर मैं यहाँ पे तैयार कर रहा था, ये चेयर मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। एंड इनकी अच्छी बात है कि मैं इनको बंद भी कर सकता हूँ, बंद करने का भी बहुत ज़्यादा सही लग रही है। एंड अगर मैं इसको खोल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैप डोर खोल रखे हैं, तो भी काफ़ी सही वाला लुक दे रहा है। तो ये चेयर्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, मतलब जो राजा के बगल में लोग नहीं बैठे रहते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की और बहुत ही ज़्यादा सही लग रहे हैं। पहले यहाँ पे स्लैब में मतलब नॉर्मल मतलब प्लैंक की स्लैब लगा रहा था, बाकी मैंने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कर्ट्स के यहाँ पे स्लैब लगा दी, जो बहुत ही सही वाला लुक आ रहा है। अगर यहाँ पे बैठ के मैं देखता हूँ तो देख रहा हूँ कितना ज़्यादा सही वाला लुक आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी अभी डेकोरेशन वगैरह इसमें रह गया, मेरे को डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सही से करनी है। तो सबसे पहले मैं बेड लेके आ चुका हूँ, तो मैं काम करता हूँ, बेड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये दोनों बेड मैं यहीं पे डालने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारा ग्लो स्टोन लगा दिया है, जिससे रोशनी और काफ़ी सही वाला लुक आए। बाकी अभी मैं यहाँ पे बाकी का ग्लो स्टोन नहीं लगाने वाला हूँ, बाकी चेस्ट वगैरह मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे को यहाँ सोना होगा। तो मेरा रूम भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। वैसे मैं बाहर के साइड बेड लगाने की सोच रहा था, पर फिर मैंने इसी का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, मेरे को पता था मैं यहाँ पे बेड डाल के आराम से रह सकता हूँ। तो एक तरीके से कासल के अंदर हम लोगों ने बेड डाल दिया तो आराम से सो सकते हैं। बाकी अभी ग्लो स्टोन वगैरह लगाना, मतलब यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह लांटेन वगैरह रहना बाकी रह गया है, इसे और ज़्यादा डेकोरेट मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। होगी तो गाइस, सभी मैंने अपने कासल के अंदर के इंटीरियर को पूरा डेकोरेट कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, थोड़ा डेकोरेट करने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था। अगर मैं ज़्यादा करता तो शायद उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। सो गाइस ये है अपने कासल के अंदर का इंटीरियर, अभी देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, मतलब ग्रीन ग्रास थी, बिल्कुल बेकार लग रहा था। अभी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब मैं अगर नीचे से आऊँ तो बहुत ही सही वाला लुक आएगा, मतलब राजा महाराजा बिल्कुल फील होगा यहाँ से आराम से। और ये देखो, ये है अपने कासल के अंदर का इंटीरियर। यहाँ पे ना मैं एक बड़ा सा गेट लगाने वाला हूँ, फुल्ली ऑटोमेटिक गेट लगाऊंगा विद सेंसर के साथ, अपने आप खुल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। बाकी सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे नजर डालो, दो दो आप लोग को यहाँ पे आर्मर स्टैंड देखने को मिल रहे होंगे। तो ये तो मैं गोल्ड पूरा आर्मर अपनी चेस्ट से लेके आ गया था, मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, आप लोग को पता होगा अपने पास अनलिमिटेड गोल्ड फार्म टाइप का है। एंड ये वाला आर्मर स्टैंड मेरा है, जो मैंने पहन रखा था, मैंने निकाल के यहाँ पे लगा दिया है, जो बहुत ही सही लग रहा है। मतलब ऊपर अगर यहाँ पे बैठ के देखे तो बहुत ही सही लुक आता है। यहाँ मैंने दो लांटेन रखी हैं, ऊपर के साइड अगर आप लोग नजर डालोगे तो मैंने चेन के साथ यहाँ पे काफी सारी लांटेन लगा रखी है। तो मेरे पास आयरन बहुत ज्यादा था, तो मैंने आराम से लांटेन और चेन बना ली, तो बहुत ही सही लुक दे रही है ये। बाकी मैंने यहाँ पे भी ग्लो स्टोन बहुत ज्यादा लगा दिया, तो देखो यार मैं नेदर में ज्यादा रहता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा ग्लो स्टोन है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जिससे क्या हो रहा है, रोशनी बहुत ज्यादा सही हो रही है और मतलब काफी बढ़िया लुक दे रहा है। बाकी मैंने टॉर्चेस वगैरह इतनी लगाई नहीं है, पर मैं टॉर्चेस से भी यहाँ पे सोच रहा हूँ थोड़ा डिजाइन बना दूँ। और ये वाली जगह ना यार खाली रह रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे क्या बनाऊँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार पीछे की साइड यहाँ पे चेस्ट वगैरह लगा दी जाए थोड़ी डिजाइन से, या फिर एक बड़ा सा एक्वेरियम बनाए। आप लोग को क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार मुझे तो यार ये इंटीरियर बहुत ही ज्यादा सही लगा है। बाकी बहुत सारी चीजें मैंने यार देखो इसलिए नहीं बनाई, पहले मैं सोच रहा था कि बहुत सारी चीजें बनाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, और अगर मैं बहुत सारा चीजें बना दूंगा जगह कम रह जाएगी, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ इतनी ही चीजें बनाई हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या क्या और यहाँ पे बनाना चाहिए। बाकी आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।